मैं रामनिवास शाहचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर, आज मैं आपको जनता सरकार और भारत अमेरिका संबंध के बारे में बताऊंगा कि जनता पार्टी के समय भारत अमेरिका दोनों देशों के बीच कैसे संबंध रहे, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जनता पार्टी के घटकों की पुरानी राजनीति को देखते हुए ऐसा लगता था कि यदि जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई तो अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनता पार्टी की जीत को दुनिया के सभी लोकतंत्रों के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा था कि अमेरिका के प्रति सत्तारूढ़ दल का रुख मैत्रीपूर्ण होगा तथा सोवियत संघ के प्रति उसका रुख ठंडा पड़ जाएगा। ऐसी ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने लेख में ऐसा समाचार छपा था। प्रधानमंत्री पद के लिए मोरारजी देसाई के नाम की घोषणा होते ही भारत के प्रति अमेरिकी उत्साह में पहले से भी अधिक वृद्धि हुई। राष्ट्रपति कार्टर ने मोरारजी देसाई को बधाई संदेश भेजते हुए कहा, हम दोनों मिलकर विश्व शांति, न्याय तथा आर्थिक प्रगति के समान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो उस समय भी अमेरिका के लोगों को प्रसन्नता हुई, और फिर जब मोरारजी प्रधानमंत्री बने तो और भी अधिक उनको प्रसन्नता हुई कि अब हमारे संबंध हमारे माफिक मनमाफिक होंगे। तो ये थोड़ा सा वो देखते थे, और कार्टर ने मोरारजी को बधाई देते हुए विश्व शांति, न्याय, आर्थिक प्रगति के समान लक्ष्य कि दोनों ही तरफ दोनों ही देश दुनिया में यही चाहते हैं कि विश्व शांति हो, न्याय की स्थापना हो और आर्थिक प्रगति के समान लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी, हम बहुत कुछ इस क्षेत्र में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रहा। अमेरिका के नीति निर्माताओं के बीच ये माना जाने लगा कि कार्टर और देसाई के स्वभाव इतने मिलते जुलते हैं कि दोनों के संबंधों में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। पिछले कई वर्षों से श्रीमती इंदिरा गांधी और अमेरिकी प्रशासन के जैसे रिश्ते रहे थे, उनकी तुलना में मोरारजी के लिए जैसा उत्साह प्रदर्शित किया जा रहा था उसके प्रकाश में यह आसानी से कहा जा सकता था कि जनता सरकार सच्ची, या खास बात यह है कि सच्ची गुटनिरपेक्षता के नाम पर अमेरिकी प्रस्थ नीति चलाएगी। लेकिन उत्साह का ये दौर एक हफ्ते भी न चला होगा कि अमेरिकी नीति निर्माताओं को ये पता चल गया कि अमेरिकी सहायता प्राप्त करने के लिए
भारत पहले की तरह लालायित नहीं है तथा परमाणु अप्रसार संधि के मामले में भी भारत की राय को बदलवा पाना या बदला जाना आसान नहीं है। तो ये उनको एक हफ्ते के अंतर्गत ही जो हमारी विदेश नीति का यथार्थ था वो उनके सामने आ गया और उनको लगने लग गया कि भाई विदेश नीति के जो पैरामीटर्स जो इस विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में उसको बदलना बड़ा मुश्किल है, तो ये पता लग गया। कार्टर प्रशासन ने भारत में जन्मे अमेरिकी विद्वान डॉक्टर रॉबर्ट गोहिन को राजदूत बनाकर भारत भेजा तथा जनता सरकार ने वैयक्तिक स्वतंत्रता के प्रसिद्ध पक्षधर नानी पालखीवाला को अपना राजदूत बनाकर अमेरिका भेजा। लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। 1 जनवरी 1978 को राष्ट्रपति कार्टर भारत आए। कार्टर ने अपनी मां श्रीमती लिलियन कार्टर के भारत प्रवास को याद करते हुए इस देश के प्रति विशेष आत्मीयता प्रकट की तथा दोनों देशों के पारस्परिक विश्वासों, मान्यताओं तथा दायित्वों के आधार पर संबंधों को प्रगाढ़तर बनाने की अपील की। इसमें संदेह नहीं कि कार्टर देसाई और संजीव रेड्डी के भाषणों में दोनों देशों के लिए जो उद्गार प्रकट हुए थे वे सच्चे ही थे, किंतु दूसरे ही दिन 2 जनवरी के दिन मोरारजी से बातचीत करने के बाद कार्टर ने अपने विदेश मंत्री वेंस के कान में जो फुसफुसाहट की उसने कार्टर की भारत यात्रा का मजा किरकिरा कर दिया तथा ये बता दिया गया कि कोमल भावनाओं और मधुर शब्दों से राष्ट्रों के संबंधों के बीच खड़े यथार्थों को ढहाना आसान नहीं है। और इन सारी बातों को सार रूप में जो वैदेशिक मामलों के बड़े प्रख्यात विद्वान हैं, ज्ञातकार हैं, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने अपने शब्दों में इस प्रकार से व्यक्त किया कि कुल मिलाकर ये स्पष्ट हो गया कि यदि सच्ची गुटनिरपेक्षता का मतलब भारतीय परमाणु संयंत्रों को अमरीकी निगरानी में रख देना लगाया जा रहा था तो ऐसी सच्ची गुटनिरपेक्षता को जनता सरकार ने ठुकरा दिया। जनता सरकार की इस दृढ़ता की प्रशंसा भारतीय साम्यवादी दल ने भी की थी। तो डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी ने अपने शब्दों के माध्यम से भी वो जो सच्ची गुटनिरपेक्षता की बात थी उसको स्पष्ट कर दिया कि जो हमारे परमाणु संयंत्र थे वो अमेरिका की निगरानी में रहें और वो फुसफुसाहट कुछ इस प्रकार की जो बातें थी, पर भारत ने वो स्वीकार नहीं किया, उसके सामने झुका नहीं। और इस बात की प्रशंसा जो जनता सरकार के कार्य की हमारा जो साम्यवादी दल था उसने भी भूरी भूरी प्रशंसा की।
इसका यह अभिप्राय नहीं कि कार्टर की भारत यात्रा सर्वथा विफल रही। जहां तक दोनों देशों में सहयोग का प्रश्न है, कार्टर प्रशासन के दौरान ही भारत अमेरिकी संयुक्त आयोग की बैठक हुई, जिसमें तीन क्षेत्रों आर्थिक और व्यापारिक, विज्ञान और तकनीकी तथा शिक्षा और संस्कृति में सहयोग बढ़ाने के लिए निर्णय हुए। जून 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तथा विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अमेरिका की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि जनता सरकार भारत की परंपरागत गुटनिरपेक्षता की नीति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सैन फ्रांसिस्को में वर्ल्ड अफेयर्स काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री देसाई ने कहा, हमारी गुटनिरपेक्षता सिर्फ नीति ही नहीं, ये एक धर्म है। इसके द्वारा हमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों को गुणदोष के आधार पर परखने में सहायता मिलती है। वाजपेयी ने भी एक दूसरी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत न पश्चिमी समर्थक है न पूर्व समर्थक, लेकिन वह भारत समर्थक है। बहुत स्पष्ट शब्दों में दोनों नेताओं ने वहाँ पर ये अपनी जो विदेश नीति है और खास रूप से गुटनिरपेक्षता जिसको लेकर वो चल रहे हैं आधार में है, तो क्लियर कर दिया। और उसमें भी विशेष बात जो उन्होंने कही ना कि हम कोई पश्चिम और पूर्व के पर वो भारत के समर्थक, वह भारत समर्थक हैं। तो भारत अपने बारे में तो ठीक प्रकार से सोचेगा ही, वो अपनी स्वतंत्रता है और है, उसको गिरवी कैसे रख देगा। तो और इसी में भारत को सबसे ज़्यादा फायदा था, किसी के साथ जुड़ना या वो तो फिर अपना अस्तित्व को मिटाने जैसा होता है। और उपहार के रूप में, मूल्यांकन के रूप में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार जनता सरकार की विदेश नीति अमेरिकी प्रस्त नीति नहीं कही जा सकती। जो ये कयास लगाया जा रहा था कि नेहरू, शास्त्री जी और इंदिरा गांधी के समय में संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहे और अब जनता पार्टी की सरकार आ गई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए, तो निश्चित रूप से अब जो हमारी विदेश नीति होगी वो सोवियत संघ से थोड़ा सा दूरी बनाते हुए अमेरिका की पक्षकार होगी, पक्षधर होगी। तो ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। और कमोबेश रूप में जनता सरकार ने भी जो पहले से चली आ रही विदेश नीति थी उसको ही फॉलो किया, उसी को आगे बढ़ाया। और इस प्रकार से ये सारा सब आपके सहयोग से विचारों का आदान प्रदान हुआ। और अब यही मैं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।